हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। मैं इस वीडियो में आज आपको इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले बाइनरी ट्री क्या होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो है, जिसमें से हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करने वाले हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो लीनियरली ग्रो नहीं करते हैं, नॉन लीनियरली वो ग्रो होते हैं, जिसके वेल नोन एग्जाम्पल्स है ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। सो उसमें से हम ये जो ट्री वाला डेटा स्ट्रक्चर है उस पर हम आज के वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। तो ट्री क्या होता है? जनरली ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको एक रूट नोड होता है, उसके बाद उसके चिल्ड्रन होते हैं। बट अगर हम बाइनरी ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाइनरी ट्री में ऑलवेज हमेशा पेरेंट को आइदर जीरो या वन या मैक्सिमम दो चिल्ड्रन होते हैं। सो ट्री डेटा स्ट्रक्चर जिसमें पेरेंट नोड को मैक्सिमम दो चिल्ड्रन होते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जो कि वन जो है वो रूट नोड है और पेरेंट नोड भी है, जिसके 12 एंड 9 ऐसे दो चिल्ड्रन है। लेफ्ट चाइल्ड है 12, राइट चाइल्ड है 9। अगर 9 देखा जाए, 9 एज अ पेरेंट नोड, तो 9 को एक ही चाइल्ड है जो कि है राइट चाइल्ड 8। अगर 12 देखा जाए तो 12 जो पेरेंट नोड है, इसको मैक्सिमम टू नोड्स है, जैसे लेफ्ट चाइल्ड है 5 एंड राइट चाइल्ड है 6। सो ऐसे ही अगर हम ये ट्री देखा जाए, हर एक नोड को ऑब्जर्व किया जाए, तो आप देख सकते हो कि हर एक नोड को ज्यादा से ज्यादा दो चिल्ड्रन है, कम से कम जीरो चिल्ड्रन है। अगर जीरो चाइल्ड है तो उस नोड को हम बोलते हैं लीफ नोड। तो यहाँ पे 8, 4, 3 एंड 2 ये जो है वो सारे के सारे लीफ नोड है, क्योंकि इनको चाइल्ड जीरो चाइल्ड है। सो ये वाली जो इमेज हमें बता रही है, ये है हमारा बाइनरी ट्री। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट टाइप बाइनरी ट्री का, जो है फुल बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री किसे कहते हैं? फुल बाइनरी ट्री जो है वो स्पेशल टाइप का एक ट्री है, जिसमें हर एक पेरेंट को मैक्सिमम दो चिल्ड्रन होते हैं और नहीं तो जीरो चिल्ड्रन होते हैं। सिंगल चाइल्ड अलाउड नहीं है। हर एक पेरेंट को मैक्सिमम दो चिल्ड्रन होना कंपलसरी है, अदरवाइज चिल्ड्रन नहीं है तो उसे हम लीफ नोड बोलते हैं। सो अगर वो इंटरमीडिएट नोड है तो उसको मैक्सिमम दो चिल्ड्रन होना कंपलसरी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर नोड वन है, ये तो रूट नोड है और पेरेंट नोड भी है, तो उसको ये दोनों चाइल्ड हो गए। अगर 12 हमारा रूट नोड है तो उसको 5 एंड 6 हमारे चाइल्ड नोड हो गए। 6 हमारा पेरेंट नोड है तो उसके 3 एंड 4 चाइल्ड नोड हो गए। अगर हम 9 देखते हैं तो 9 को कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसलिए ये लीफ नोड हो गया जीरो। सो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। हर एक नोड को, इंटरमीडिएट नोड एंड एवरी लीफ नोड, हमें देखना है कि इसको अगर इंटरमीडिएट नोड है तो मैक्सिमम टू नोड्स होने चाहिए, और अगर लीफ नोड है तो लीफ नोड का ही मतलब होता है कि उसको चिल्ड्रन नहीं है, तो वो लीफ नोड होते हैं। सो अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्री हमारा फुल बाइनरी ट्री है। अभी हम देखते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो फुल बाइनरी ट्री से मिलता जुलता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो हम कंप्लीट बाइनरी ट्री में यहाँ पे सिंगल चाइल्ड अलाउ करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, ये जो 9 है इसको एक सिंगल चाइल्ड, जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है 10,
इस ये यहाँ पे अलाउड है, पर कंडीशन ऐसी है कि अगर सिंगल चाइल्ड अगर होता है तो वो सिंगल चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड ही होना चाहिए. अगर वो राइट चाइल्ड होता है तो हम उसे कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे. यहाँ पे यही सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है. एवरी लेवल मस्ट बी कम्प्लीटली फिल्ड. जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे लेवल वाइज हम हर एक लेवल फुल करते जाएंगे. इसीलिए जो हमारा ट्री होता है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है. इसलिए मैंने अभी बोला कि अगर एक सिंगल चाइल्ड है तो वो लेफ्ट चाइल्ड ही होना चाहिए. तो यहाँ पे लास्ट वाला जो सेंटेंस है वही वो डिफरेंस बता रहा है कि अगर लास्ट लीफ एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है तो वो राइट सिबलिंग, उसको राइट सिबलिंग नहीं होता है. अगर वो सिंगल चाइल्ड है तो वो लेफ्ट नोड ही होना चाहिए. एंड यही डिफरेंस होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री में एंड फुल बाइनरी ट्री में. अभी हम देखते हैं कि हमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जनरल ट्री हुआ जिसको कि ये जो पैरेंट नोड है और रूट नोड है इसको मोर देन टू चिल्ड्रन है. तो मोर देन अगर टू चिल्ड्रन है तो ये बाइनरी ट्री नहीं है. अगर ये बाइनरी ट्री नहीं है तो ये फुल बाइनरी ट्री भी नहीं है और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक नोड को मैक्सिमम दो चिल्ड्रन है तो ये तो बाइनरी ट्री हो गया. दो से ज्यादा नहीं है तो ये तो बाइनरी ट्री हो गया. पर हम देखते हैं कि ये फुल बाइनरी ट्री है या नहीं. ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगल चाइल्ड नोड 9 को है जो कि अलाउड नहीं है. चलो देखते हैं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं. हाँ ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि 9 को जो सिंगल चाइल्ड है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड है. अगर ये राइट चाइल्ड होता तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता. अगले वाले एग्जाम्पल हम देखते हैं. जैसे कि मैंने अभी बोला ये वाला ट्री जो है 9 को यहाँ पे सिंगल चाइल्ड है पर वो राइट चाइल्ड है तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है. सिंगल चाइल्ड है 9 को इसलिए ये फुल बाइनरी ट्री भी नहीं है. हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा बाइनरी ट्री है पर ये हमारा फुल बाइनरी ट्री भी नहीं है, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं है. और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो जिसमें हर एक नोड को मैक्सिमम टू चिल्ड्रन है या लीफ नोड है जिनको कोई भी चाइल्ड नहीं है. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तीनों ट्रीज के प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये बाइनरी ट्री भी है, फुल बाइनरी ट्री भी है और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है. आगे हम देखते हैं कि ये जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है कंप्लीट बाइनरी ट्री वो हम कैसे कर सकते हैं. तो ये जो हमें करना है, हमें फर्स्ट एलिमेंट जो इंसर्ट करना है वो बन जाता है हमारा रूट नोड जो हमारा हो गया फर्स्ट लेवल जिसमें हमारे मैक्सिमम नोड रहेंगे और मैक्सिमम सिंगल एलिमेंट रहेंगे. अभी हम अगर सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो बन जाएगा हमारा लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट. जो हमारा रूट अभी भी इंसर्ट किया था उसका ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया. और एक नोड अगर इंसर्ट करना है थर्ड वाला तो वो हो जाएगा राइट चाइल्ड ऑफ रूट नोड. तो आप देख सकते हो कि सेकंड लेवल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, तो टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेकंड लेवल में हो गए. अगर हमें नेक्स्ट लेवल इंसर्ट करना है तो हमें नेक्स्ट टू एलिमेंट्स एज अ चिल्ड्रन ऑफ लेफ्ट नोड ऑफ द सेकंड लेवल. जो सेकंड लेवल का लेफ्ट चाइल्ड है, माना कि ये जो रूट है उसका जो हमने सेकंड एलिमेंट एज अ लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट किया था उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड करके हमारा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसे कि लेफ्ट नोड लेफ्ट पैरेंट के दो चिल्ड्रन और नेक्स्ट टू एलिमेंट जो होंगे हमारे वो राइट पैरेंट के टू चिल्ड्रन, ऐसे टोटल हमारे चार एलिमेंट मैक्सिमम हो सकते हैं थर्ड लेवल में. तो ये हो गया हमारा थर्ड लेवल. ऐसे ही वन बाय वन ऐसे इंसर्ट करते करते हम हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा लेफ्ट ऑलवेज लेफ्ट चाइल्ड से स्टार्ट होगा. तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. मान लो हमारे पास ये एरे है जिसमें ये 6 एलिमेंट्स हैं और हमें कंस्ट्रक्ट करना है कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा हो गया रूट एलिमेंट. दूसरा जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो कौन सा होगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा एज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ योर रूट नोड. सो ये रूट नोड का वो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा.
अगला वाला स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट जो है 9, वो राइट चाइल्ड हमारा हो जाएगा रूट नोड 1 का. तो ये हमारा सेकेंड लेवल कंप्लीट हो गया. अगर फिर से हमें एक एक नोड इंसर्ट करना है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, लेवल नंबर 3 से. लेवल 3 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेकेंड लेवल था जिसका लेफ्ट पैरेंट है 12, लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट नोड है, तो वो वहां से हम स्टार्ट करेंगे. उसका सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 12 इज नथिंग बट 5. अगर मान लो हमें 6 इंसर्ट करना है तो 6 क्या हो जाएगा, 12 का राइट चाइल्ड हो जाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया 12 का राइट चाइल्ड. अगर हमारा और एक एलिमेंट दैट इज 10 हमें इंसर्ट करना है तो हम राइट चाइल्ड पे मूव हो जाएंगे ऑफ रूट नोड प्रीवियस वाला लेवल. तो ये हो गया हमारा 9 राइट चाइल्ड 1 का, और उसका हमें नया नोड जो इंसर्ट करना है वो हो गया उसका लेफ्ट चाइल्ड. सो इसी तरह हम लेवल बाय लेवल एक एक एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे और इसको हम बोलेंगे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है. जैसे कि पहले बोला था कि अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो लेफ्ट चाइल्ड ही होना चाहिए, तो इसलिए हमें ये प्रॉपर्टी और ये रूल हमें फॉलो करना है कि हर एक बार जैसे कि हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो हर एक बार वो हमें हमेशा लेफ्ट चाइल्ड से ही स्टार्ट करना है. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री. हमें यहाँ पे और एक चीज याद रखनी है कि रिलेशनशिप क्या होता है ट्री एलिमेंट्स और एरे इंडाइसेस में, क्योंकि एरे से ही हम ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहे हैं. तो अगर हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो जो उसकी प्रॉपर्टी 3 कि हर एक बार हमें जो नया नोड इंसर्ट करना है वो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है, हर एक बार हमने ये भी देखा कि हर एक लेवल में मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं. अगर लेवल 1 है तो सिंगल नोड दैट इज रूट नोड, लेवल 2 है तो मैक्सिमम 2 नोड्स, लेवल 3 है तो मैक्सिमम 4 नोड्स एंड सो ऑन. तो ये प्रॉपर्टी हम यूटिलाइज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कौन सा भी इंडेक्स अगर हम ले रहे हैं तो उस इंडेक्स एलिमेंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इंडेक्स पे जो नंबर प्रेजेंट है उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है और उसका राइट चाइल्ड कौन सा है हमारे एरे में से. वैसे ही उसका पैरेंट कौन सी पोजीशन पे है ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ऐसे यूज करना है कि जो हमारा रूट है वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, हमारा जो रूट है वो रहेगा हमेशा एरे ऑफ जीरोथ पोजीशन पे. अगर हमारा इंडेक्स हमें आई कंसिडर करना है तो आइथ एलिमेंट जो होगा हमारा एरे का उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वो होगा 2i+1 पोजीशन पे. इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे a ऑफ 2i+1. उसका इमीडिएट नेक्स्ट नोड उसका क्या है, उसका सिबलिंग है. दैट उसका मतलब है कि वो ही उसका राइट चाइल्ड भी है, उसके पेरेंट का वही राइट चाइल्ड है, सिबलिंग है, तो वो आ जाएगा 2i+2 पोजीशन पे. तो आइथ इंडेक्स पे जो नंबर है उसका हमें लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड इस फॉर्मूले से मिल सकता है. पर अगर हमारा आइथ एलिमेंट का पेरेंट हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है i-1/2, और ये जो पोजीशन देगा उस पोजीशन पे हमारी एरे में आइथ एलिमेंट का पेरेंट अवेलेबल होगा. ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी. वो जो ये जो अब भी हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया था वही एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ. यहाँ पे 6 नोड्स है, हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमारा रूट नोड हमेशा 0 पे रहता है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडेक्स 0 पे जो नंबर है दैट इज 1, उसका लेफ्ट चाइल्ड हमारी एरे में कौन सी पोजीशन पे है, एज वेल एज हमारा उसका ही राइट चाइल्ड हमारी एरे के कौन सी पोजीशन पे है. तो उसके लिए हमें क्या, लेफ्ट चाइल्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, 2i+1, 2 × i दैट इज 0+1, तो वो क्या हो जाएगा इंडेक्स 1. तो इंडेक्स 1 पोजीशन पे हमारा क्या नंबर है, 12. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 हमारा लेफ्ट चाइल्ड है पेरेंट नोड 1 का. वही अगर हमें राइट चाइल्ड हमारे सेम इंडेक्स का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो
वही वही हमें करना पड़ेगा, सेम इंडेक्स का जीरो, दैट इज टू आई इंटू टू आई, आई का जीरो है वैल्यू, तो टू आई, टू इंटू जीरो इज जीरो प्लस टू इज नथिंग बट टू. तो हमारा जो एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पे अवेलेबल है जो कि नंबर है नाइन, आप यहाँ पे देख सकते हो, वही नाइन हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाला नाइन, वही हमारा राइट चाइल्ड वन का प्रेजेंट है. अगर हमें इंडेक्स वन पोजीशन पे, दैट इज ये नंबर ट्वेल्व है, ट्वेल्व का हमें लेफ्ट चाइल्ड निकालना है कि इस अरे में अगर हमारा ट्वेल्व पेरेंट नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सी पोजीशन पे है. तो ट्वेल्व का सबसे पहले हमें पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि हमारा आई है. तो यहाँ पे ये हो गया वन. तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, टू इंटू आई, टू इंटू वन, ये हो गया टू प्लस वन इज थ्री. सो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे 12 का लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है. थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे हमारा नंबर 5 अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12, नोड 12 का लेफ्ट चाइल्ड 5 है. वैसे ही हमारा उसका राइट चाइल्ड निकालना है, तो वही इमीडिएट नेक्स्ट नंबर दैट इज 6 हमारा जो है वो हो गया हमारा राइट चाइल्ड ऑफ 12. अभी चलो निकालते हैं कि पेरेंट, अभी अगर समझ लो कि मुझे ये जो नंबर 9 है उसका पेरेंट आइडेंटिफाई करना है कि उसका पेरेंट कौन है, तो उसका इंडेक्स पोजीशन हमारा हो गया 2. तो उसका इंडेक्स पोजीशन हो गया 2. हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 माइनस आई डिवाइडेड बाय 2. 2 माइनस आई इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, सो 1 बाय 2 इज 0.5. अप्रोक्सीमेटली इट इज 0, सो एट द जीरोथ इंडेक्स पोजिशन द पेरेंट ऑफ नोड 9 इज अवेलेबल. यू कैन सी दैट द 9 का पेरेंट नोड है 1, जो कि इंडेक्स पोजिशन 0 पे है. और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमें 12 का, ये जो नंबर 12 है हमारा, उसका हमें पेरेंट नोड आइडेंटिफाई करना है, तो 12 का पोजिशन क्या है, 1. तो 1 माइनस आई 0 हो गया, उसको डिवाइडेड बाय 2, इंडेक्स हो गया 0. सो 12 का भी जो पेरेंट है वो क्या है, इंडेक्स पोजीशन 0 पे अवेलेबल है, जो कि है हमारा नोड 1. सो इस तरह से आपके एरे में से आप कौन से भी नंबर का चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड निकाल सकते हो, या उसका पेरेंट नोड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके. सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट देना ना भूलिए, उसके साथ साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस शेयर करते रहिए, बेल रिंगिंग रखिए क्योंकि रिंगिंग बेल हमें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन देता रहेगा. यहाँ पे उसके साथ साथ मैं और वीडियोस का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, सब्सक्रिप्शन लिंक भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ. सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.